मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। 200 विधानसभा में 1875 प्रत्याशी, अंतिम दिन 2365 में से 490 ने नामांकन पत्र लिए वापस। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। कुल 396 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। पूरे राज्य में मतदान एक चरण में 25 नवंबर को होगा। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए कुल 2365 अभ्यर्थियों में से 490 ने अंतिम दिन नामांकन पत्र वापस लिए। अब 1875 अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए शेष बचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन वापसी के बाद कुल 1875 उम्मीदवार शेष हैं। वहीं विधानसभा आम चुनाव 2018 में 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 2294 उम्मीदवारों में से 2105 पुरुष उम्मीदवार एवं 189 महिला उम्मीदवार थे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 6 नवंबर तक 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 2365 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए थे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। कुल 396 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। पूरे राज्य में मतदान एक चरण में 25 नवंबर को होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।